श्री चार धाम चालीसा। ओ श्री चार धाम की यात्रा करेंगे जो नरनार। ओम ऋषि का है वचन, होंगे वे भव पार, होंगे वे भव पर्वत पर यमुनोत्री यात्रा यहीं से आरंभ होती। यमुना का यह उद्गम स्थल है, यमुना का यह उद्गम स्थल है, ठंडा और गर्म भी जल है, ठंडा और गर्म भी जल है। तपतिया यहाँ असित मुनि ने सिद्धि पाई यमुनोत्री में, पावन है यमुना का मंदिर, दर्शन करके मन होता स्थिर, दर्शन करके मन होता स्थिर। यात्रा इसकी अति दुर्लभ है, गुरु कृपा से होती सुलभ है, सुन लो यमुना की महिमा तुम। सूर्य पिता और भाई है यम, सूर्य पिता और भाई है यम। दूज को वचन दिया भगिनी यमुना को, जो यमुना में डुबकी लगाए मोक्ष पाए यमलोक न जाए, मोक्ष पाए यमलोक न जाए। यमुनोत्री में दिव्य शिला है, जिसने पूजा पुण्य मिला है, यमुनोत्री के जल में शक्ति, यम के भय से दे दे मुक्ति, यम के भय से दे दे मुक्ति। ओ दूसरी यात्रा गंगोत्री की, श्रद्धा बढ़ाए जो यात्री की, उद्गम स्थल गंगा का जहां है, नाम भागीरथी यहां है, नाम भागीरथी यहां है। आकर मिले अलकनंदा, जब कहलाती है यह गंगा, तब ऋषिकेश हरिद्वार से बहकर काशी में शिव चरण को धोकर, काशी में शिव चरण को धोकर। ओ गंगा गंगोत्री से निकल कर अंत में पहुँचे गंगा सागर, गंगा है शुभ मंगलकारी, हिंदू धर्म में महिमा भारी, हिंदू धर्म में महिमा भारी। राजा भगीरथ स्वर्ग से लाए, पूर्वज को मुक्ति दिलवाए, गंगा का मंदिर मन भावन, दर्शन करके शांत बने मन, दर्शन करके शांत बने मन। ओ जल है यह अति शीतल, गंगोत्री की धारा है निर्मल, पितृ तर्पण करे यहाँ जो, जन्म पुनः न पाए कभी वो, जन्म पुनः न पाए कभी वो। केदारनाथ की, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की, ये है यात्रा
कठिन सुनोगे। सद्गुरु आशीष से पहुँचोगे, ऊंचे हिमालय में अति सुंदर शंभु विराजे केदारेश्वर, दर्शन करके तृप्त हो आत्मा, भव बंधन काटे परमात्मा, काटे परमात्मा। षोडश पूजा ज्योतिर्लिंग की इच्छा पूर्ण करे भक्तों की, पांडव द्रौपदी स्वर्ग चले जब, बैल के रूप में शिव जी मिले तब, मन पहचाना शिव जी को, दौड़े शिव तो पकड़ी पीठ को, शिव है उसी स्वरूप में स्थापित, अनंत कोटि भक्तों से पूजित, अनंत कोटि भक्तों से पूजित। ओ आद्य जगत गुरु शंकर आए, मंदिर का निर्माण कराए, श्री केदार धाम जो आए, शिव की कृपा असीम वो पाए, चार धाम की चौथी बद्रीनाथ से पूर्ण होती, बद्री बसे अलकनंदा तट, घेरे नर नारायण पर्वत, पंच बद्री में पंचम है, बद्री विशाल उत्तम है, रूप अनेक धरे नारायण, प्रकट यहाँ बद्री नारायण, रामेश्वर पुरी द्वारिका नाम है, बद्री सहित ये पूर्ण धाम है, बद्री की महिमा है अनन्या, नर नारायण ने की तपस्या, बद्री का श्रम नाम पड़ा तब आदि जगत गुरु शंकर ने मूर्ति निकाली नारद कुंड से, ओ शालिग्राम की विष्णु मूर्ति भक्तों की सुध बुध है हरती, शास्त्र कहे वो धाम है बद्री, दर्शन मात्र से देता मुक्ति, 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 दर्शन मात्र से देता मुक्ति। चार धाम चालीसा का नित्य करे जो पाठ, ओम ऋषि आशीष दे खुले दुखों की गांठ, खुले दुखों की गांठ। इति श्री सद्गुरु ओम ऋषि स्वामी विरचित श्री चार धाम चालीसा संपूर्णम्। सद्गुरु ओम ऋषि प्रितेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाए और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।